कन्नौज से बड़ी खबर, जहां अस्थाई क्वारंटीन हंगामा देखने को मिला। तो घर जाने की मांग पर मजदूर अड़े हुए हैं। दरअसल कई दिनों से क्वारंटीन सेंटर में ये प्रवासी मजदूर हैं। छिबरामऊ थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो क्वारंटीन सेंटरों में कई प्रवासी मजदूरों को रखा गया है, ताकि अगर वो संक्रमित हो तो वो संक्रमण उनके गांव, उनके इलाके, उनके जिले तक ना पहुंचे, इसीलिए उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। लेकिन अब ये मजदूर जो लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके घर जल्द से जल्द भेजा जाए। तो अस्थाई क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का ये हंगामा देखने को मिला है। घर जाने की बात पर ये लगातार अड़े हुए हैं, कई दिनों से हैं क्वारंटीन सेंटर में, और अधिकारी हालांकि मौके पर मौजूद है और समझाने की कोशिश लगातार इन्हें की जा रही है। तो बड़ी खबर कन्नौज से बता दें, जहां अस्थायी क्वारंटीन सेंटर में रखे गए इन प्रवासी मजदूरों ने हंगामा काटा है, गुस्सा इन्होंने अपना जाहिर किया है। दरअसल कहा जा रहा है कि कई दिनों से ये इसी क्वारंटीन सेंटर में हैं और अब इन्हें घर जाना है, और इसी मांग को लेकर फिलहाल इनका हंगामा जारी है। तो अधिकारियों से बात कर रहे हैं ताकि वो समझ जाएं और इन्हें इनके घर जाने दें, लेकिन अधिकारी भी इन्हें लगातार समझा रहे हैं कि वक्त बीत जाने के बाद ही इन्हें इनके घर भेजने की जो व्यवस्था है वो की जाएगी और फिर इन्हें इनके घर भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये प्रवासी मजदूर अभी समझने को तैयार नहीं। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, कितने दिन पहले ये बताइए कि कितने दिन इन प्रवासी मजदूरों को इस अस्थायी सेंटर में हुए वक्त बीत चुका है, और अभी क्या स्थिति है, क्या समझा लिया गया है, शांत हो गए हैं ये मजदूर? बिल्कुल बता दें, ये बीती 15 तारीख को अलग अलग जगहों से ये प्रवासी मजदूर यहाँ पर आए हुए थे, जो कि बिहार और बंगाल के बताए जा रहे हैं। करीब 80 की संख्या है यहाँ पर, और ये लगातार पिछले 2 दिनों से यहाँ पर एक हंगामा कर रहे हैं और अपने घर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर धीरे धीरे करके प्रवासियों को भेजा जा रहा है। तो वही उनको सांत्वना दी जा रही थी कि आप लोग अभी यहाँ पर रुके हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग को बारी बारी से समय से भेजा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, आज 5वां 6वां दिन हो गया है, तो अब इनके सब्र का बांध टूटने लगा है। तो ये लगातार अपनी जिद कर रहे हैं कि हमको कैसे भी करके वहां पर भेजा जाए। तो प्रशासन ने पूरी तरह से सारे इंतजाम कर लिए हैं, और आज दोपहर बाद ट्रेन की भी व्यवस्था कर ली गई है, जो कन्नौज से रवाना होगी, और कानपुर होते हुए प्रवासी मजदूर जो बिहार और बंगाल की तरफ के होंगे, इनको वहां पर भेजा जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।